फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार दे रखा हुआ है, ना कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। ये फॉर्मेट किस तरह से दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले कैपिटल आता है जो शेड्यूल नंबर वन में आता है कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर टू में, डिपॉजिट शेड्यूल नंबर थ्री में, बोरोइंग शेड्यूल नंबर फोर में, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन शेड्यूल नंबर फाइव में। तो ये आ गया हम लोग का लाइबिलिटी साइड का। लाइबिलिटी साइड में क्या है, सबसे पहले कैपिटल हो गया, फिर रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, फिर थर्ड में क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, फिर बोरोइंग हो गया, डिपॉजिट के बाद बोरोइंग हो गया, उसके बाद अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, ये फिफ्थ में आ गया। अब एसेट साइड में क्या आता है, तो एसेट साइड में सबसे पहला क्या आ गया, कैश एंड बैंक बैलेंस विद आरबीआई, कैश एंड बैंक बैलेंस विद आरबीआई, तो ये हम लोग का आ जाता है फर्स्ट में, जो शेड्यूल नंबर सिक्स में आता है। फिर बैलेंस विद बैंक मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये हम लोग का शेड्यूल नंबर सेवन में आता है। फिर शेड्यूल नंबर एट में इन्वेस्टमेंट आता है, शेड्यूल नंबर नाइन में एडवांसेस आता है, शेड्यूल नंबर टेन में फिक्स एसेट, शेड्यूल टेन में क्या आता है फिक्स एसेट, शेड्यूल इलेवन में क्या आता है अदर एसेट, शेड्यूल इलेवन में आ गया हम लोग का अदर एसेट। फिर कंटिनजेंट लाइबिलिटी शेड्यूल नंबर ट्वेल्व में आता है, बिल फॉर कलेक्शन का कोई शेड्यूल नहीं है, बिल फॉर कलेक्शन का कोई शेड्यूल नहीं। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, बैलेंस शीट का आइटम। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, तो यहाँ याद कीजिए एक कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस, तो इससे हम लोग का लर्न हो जाएगा शेड्यूल वन से लेकर फाइव तक। कैन से क्या हो गया, कैपिटल हो गया, रामू से क्या हो गया, रिजर्व एंसर प्लस, धोबी से डिपॉजिट्स, बाय से क्या हो गया, बोरिंग्स हो गया, ऑरेंज से क्या हो गया, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, तो ये हम लोग का लर्न हो जाएगा। फिर यहाँ से लर्न कीजिए सीबीआई, सीबीआई तो याद रहेगा आप लोग को, तो सी से क्या हो गया, कैश एट बैंक बैलेंस विद आरबीआई, बी से क्या हो गया, बैलेंस विद बैंक, और आई से क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बाकी आप लोग एडवांसेस के लिए नाइन होता है, अदर एसेट के लिए इलेवन होता है, फिक्स एसेट का तो एएस टेन होता था, तो वही एएस टेन से आप लोग फिक्स एसेट लर्न कर लीजिए एएस टेन, तो ये फिक्स एसेट का हो गया। फिर कंटिजेंट लाइबिलिटी शेड्यूल नंबर ट्वेल्व और बिल फॉर कलेक्शन क्या हो गया, उसके लिए कुछ शेड्यूल नहीं है। तो ये हम लोग के पास क्या था, बैलेंस शीट का था, एक बार लिख के देख लीजिए। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या था, कैन रामू धोबी बाय ऑरेंज, तो कैन से क्या आ गया था, कैपिटल, जो कैपिटल किस शेड्यूल में था, शेड्यूल वन में, कैपिटल क्या था शेड्यूल वन में, रामू से रिजर्व एंड सरप्लस, ये शेड्यूल नंबर टू में आ गया, ये वन था और ये टू में आ गया, धोबी से डिपॉजिट्स, डिपॉजिट शेड्यूल नंबर थ्री में, फिर बाई से क्या आ जाएगा, बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स हम लोग का शेड्यूल नंबर फोर में, ऑरेंज से क्या आ गया, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, ये हम लोग का शेड्यूल नंबर फाइव में आ गया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। आगे क्या था, सी बी आई, एसेट के लिए क्या था, सी बी आई, तो सी से हम लोग का क्या आ गया, कैश एंड बैलेंस, कैश एंड बैलेंस विद आर बी आई, ये हम लोग का शेड्यूल नंबर सिक्स में आ गया। शेड्यूल सेवन में बी है, सी बी आई का बी है, तो बैलेंस विद बैंक्स, बैलेंस विद बैंक्स, और उसके बाद मनी एट कॉल नोट, कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो ये हम लोग आ गया शेड्यूल नंबर सेवन में। शेड्यूल एट में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट, आई से क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम लोग का शेड्यूल नंबर एट में आ गया। नाइन आप लोग लर्न कर लीजिए, नाइन क्या होता है, एडवांसेस के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाइन क्या हो गया, एडवांसेस के लिए, फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट क्या कितना का हो गया, टेन हो गया, और इलेवन एक लर्न कर लीजिए, अदर एसेट, इलेवन क्या हो गया, अदर एसेट्स इलेवन, और ट्वेल्व के लिए क्या होता है, जो बैलेंस शीट के बाद होता है, कंटिनजेंसी, कंटिनजेंट लाइबिलिटी, कंटिनजेंट लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट के बाहर होगा वो शेड्यूल ट्वेल्व में, और बिल फॉर कलेक्शन नेक्स्ट होता है, जिसके लिए कोई शेड्यूल नहीं दे रखा हुआ है, तो बिल फॉर कलेक्शन, तो ये आप लोग को लर्न हो गया होगा। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी दे रखा हुआ है, तो ये रहा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले क्या होता है, इनकम में दो होता है, इंटरेस्ट अर्न होता है बैंक के लिए, तो इंटरेस्ट ही इनकम होता है ना, तो फर्स्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट अर्न, दूसरा क्या हो गया, अदर इनकम, फर्स्ट हो गया इंटरेस्ट अर्न, दूसरा क्या हो गया, अदर इनकम, तो इंटरेस्ट अर्न के लिए शेड्यूल 13, अदर इनकम के लिए शेड्यूल 14। फिर एक्सपेंसेस, मेन एक्सपेंसेस जो बैंक का होगा इंटरेस्ट का ही होगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल नंबर 15, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का शेड्यूल नंबर 16,
इसी के साथ प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, जिसके लिए कुछ शेड्यूल नहीं होता है, तो ये हम लोग इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें हम लोग को ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट का ऐड करना है। अगर ट्रांसफर कर रहे हैं रिजर्व में, तो उसको माइनस करना होगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना परसेंट, 25% नेसेसरी होता है ट्रांसफर करना, तो वो माइनस करेंगे। अगर प्रपोज डिविडेंड होता है तो वो भी हम लोग माइनस करेंगे, तो हम लोग का पास जो बैलेंस आ जाएगा वो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक बार फिर से 12th तक तो आप लोग को लर्न हो गया था। सबसे पहले कैन रामू धोबी बाय ओनर, इससे 5 हो गया था कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। फिर कैन रामू धोबी था तो डिपॉजिट्स बाय से बोरोइंग, और 5 में क्या था अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस, ये हम लोग का था लाइबिलिटी साइड का। इनकम साइड में क्या था सी बी आई, तो सी से क्या था कैश 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 बैलेंस एंड कैश बैलेंस एंड क्या था कैश कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, ये हम लोग का सी से था। बी से क्या था बैंक बैलेंस विद बैंक मनी कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, हम लोग का क्या था बी से था, ये शेड्यूल नंबर 8 में। फिर शेड्यूल नंबर 9 में, 9 में क्या था इन्वेस्टमेंट था, शेड्यूल नंबर 9 में हम लोग का इन्वेस्टमेंट था। फिर शेड्यूल नंबर 10 में फिक्स एसेट, जो आप लोग को लर्न ही है, सॉरी 9 में हम लोग का था एडवांसेस, 8 में इन्वेस्टमेंट था, शेड्यूल नंबर 8 में हम लोग का इन्वेस्टमेंट था, 9 में हम लोग का एडवांसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फिक्स एसेट हम लोग का था शेड्यूल नंबर 10 में, फिर अदर एसेट शेड्यूल नंबर 11 में, कंटिजेंट लाइबिलिटी था हम लोग का शेड्यूल नंबर 12 में। और 13 से आप लोग देखिए 13 में क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड बैंक के लिए, फिर अदर इनकम हम लोग का हो जाएगा 14 में, 15 में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, और 16 में क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हम लोग का शेड्यूल नंबर 16 में। फिर नेक्स्ट क्या था हम लोग का, नेक्स्ट था प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, इसके लिए कुछ शेड्यूल नहीं होता था, तो ये हम लोग का हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेटा। अब हम लोग डिटेल में करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिपॉजिट में देखिए, कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, तो डिपॉजिट के लिए शेड्यूल क्या था 3 था, तो डिपॉजिट में आता है सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट को हम लोग करेंट अकाउंट का भी डिपॉजिट बोलते हैं, फिर टर्म डिपॉजिट जो फिक्स डिपॉजिट होता है, और अदर डिपॉजिट रहेगा तो ये हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये हम लोग का डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट में देखिए सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट हो गया, करेंट अकाउंट को हम लोग डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, फिर टर्म डिपॉजिट जो क्या हो गया फिक्स अकाउंट का डिपॉजिट होता है, फिर अदर डिपॉजिट कुछ भी रहेगा वो भी हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हम लोग का डिपॉजिट का हो गया। डिपॉजिट आर ऑल्सो कॉल्ड डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, टाइम लाइबिलिटी, तो डिमांड या टाइम लाइबिलिटी दे रखा होगा तब भी हम लोग क्या मानेंगे डिपॉजिट मानेंगे। अब एडवांसेस में आ जाइए, एडवांस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, फर्स्ट में क्या आ गया बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, फिर कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, फिर टर्म लोन। तो ये हम लोग का तीन तरह का एडवांसेस होता है। क्या क्या होता है एडवांसेस, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, फर्स्ट में क्या हो गया बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, सेकंड में कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, फिर टर्म लोन, ये हम लोग का तीन आइटम क्या आ गया एडवांसेस में आ गया। तो ये हम लोग का एडवांसेस का टोटल आ जाएगा। अब इस टोटल में हम लोग देखेंगे सिक्योर पोर्शन कितना है, कितना सिक्योर बाय टेंजिबल एसेट है, कितना सिक्योर बाय गवर्नमेंट गारंटी से है, या गारंटी से कितना सिक्योर है, कितना अनसिक्योर है। इसी एडवांसेस का जितना बिल परचेज है, कैश क्रेडिट है, टर्म लोन है, इसका जितना टोटल आ जाएगा इसी एडवांसेस में हम लोग देखेंगे कितना सिक्योर बाय टेंजिबल एसेट है, कितना सिक्योर बाय टेंजिबल एसेट है, कितना गारंटी से सिक्योर है, कितना अनसिक्योर है, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर इसी को हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी सेक्टर में कितना दे रखा हुआ है, कितना पब्लिक सेक्टर में दे रखा हुआ है, कितना अदर बैंक को दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो एडवांसेस को हम लोग तीन तरह से देखेंगे। शेड्यूल नंबर 9 का एडवांसेस को हम लोग तीन तरह से देखेंगे। फर्स्ट में क्या आ गया, फर्स्ट में हम लोग का आता था बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड इस तरह से, फिर कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, इसका टोटल जितना हो जाएगा इसी में से हम लोग को देखना है कितना हम लोग का पार्ट सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट है, कितना सिक्योर्ड बाय गारंटीड है,
और कितना अनसिक्योर्ड है इसी पार्ट को देखेंगे। तो ये और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसी को हम लोग को फिर से देखना है कितना प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दिया गया है, कितना प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एडवांसेस हैं, कितना पब्लिक के लिए हैं, कितना अदर बैंक के लिए हैं, ये हम लोग को देखना है। इस तीनों का भी टोटल क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ टोटल, यहाँ टोटल, यहाँ टोटल करेंगे तो सेम ही होगा। तो एडवांसेस को हम लोग तीन तरह से दिखाएंगे। तो ये हो गया एडवांसेस के लिए। अब आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंक। तो सबसे पहले क्या था, इंटरेस्ट अर्न था, दूसरा था अदर इनकम जो शेड्यूल नंबर 14, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15 में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 16 में, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी के लिए कुछ नहीं होता था शेड्यूल। फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैसे, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे, फिर जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा हम लोग ऐड करेंगे, माइनस क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन स्टेटरी रिजर्व में जितना ट्रांसफर करें या अदर रिजर्व में जितना ट्रांसफर करेंगे वो हम लोग माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे अगर आ जा रहा है प्रपोज डिविडेंड तो वो भी हम लोग माइनस करेंगे। तो उसके बाद का जो आइटम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बैलेंस सीट टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। और हमेशा याद रखना है कि 25% हम लोग ट्रांसफर करेंगे स्टेटरी रिजर्व में, हम लोग हमेशा 25% स्टेटरी रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और उसके बाद प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में क्या क्या आएगा, तो प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देखिए प्रोविजन में हम लोग का आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये तीनों हम लोग का आ जाएगा प्रोविजन में। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट अर्न, तो इंटरेस्ट अर्न में हम लोग का आने वाला है, इंटरेस्ट अर्न में हम लोग का आएगा इंटरेस्ट इनकम, जो कुछ भी होगा इंटरेस्ट इनकम। यहाँ देख लीजिए अर्न में क्या चीज़ आने वाला है, इंटरेस्ट अर्न में इंटरेस्ट इनकम जो कुछ भी है, डिस्काउंट एंड बिल इनकम जितना भी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जितना भी है, डिविडेंड जितना भी है, ये हम लोग का क्या में आएगा, इंटरेस्ट अर्न में आएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आएगा, आ रहा है, आप लोग पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। फिर अदर इनकम में क्या आ रहा है, अदर इनकम में कमीशन ब्रोकरेज ये इस टाइप का जो कुछ भी इनकम होगा, लॉकर फैसिलिटी रेंटल प्रोवाइड करता है वो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को माइनस करने के बाद, फिर प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, फिर लॉस को माइनस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हम लोग का अदर इनकम हो गया। ये अदर इनकम आप लोग को समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग का ये कंप्लीट, ये होता है मतलब थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब जैसे जैसे सम्स करेंगे वैसे वैसे आप लोग को अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सम्स में देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एग्जाम में आ सकता है।